सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो अभी मेरे से अराउंड 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, 60% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं दैट वर्षा दीदी, ICSE एंड IAC 2021 बैच स्टूडेंट्स का जो बोर्ड रिजल्ट्स है वो कब पब्लिश होगा इन द ऑफिशियल वेबसाइट, नॉट ओनली इन द कमेंट सेक्शन, इवन इन इंस्टाग्राम DMs एंड ऑल्सो थ्रू मेल्स, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली। तो इसीलिए मुझे अभी ये वाला वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी हमने रिड्यूस सिलेबस को लेकर जो कि 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाया था, उनका सब्जेक्ट्स जो था सब्जेक्ट वाइज। सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने वाले ये वीडियो जितने भी अभी करेंटली क्लास 11 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि तुम ICSE 2021 बैच स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हारा रिजल्ट्स को लेकर डिस्कस करने वाले कि तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट्स जो है अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कीप दिस थिंग इन माइंड, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये नहीं हुआ है कि तुम्हारा रिजल्ट स्पेसिफिकली किस डेट को आ रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट्स अब कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। एंड यस, रिजल्ट्स में आने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोग रिजल्ट्स के साथ साथ ये पूछ रहे हैं कि वर्षा दीदी, मेरा क्लास 9 का फाइनल परसेंटेज इतना था, क्लास 9 में सब्जेक्ट वाइज कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम में DMs में मार्क्स बता रहे कि मेरा सपोज मैथ्स है तो इतना आया था, 9 में 63 आया था सपोज क्लास 9 का फाइनल एग्जाम में, फिर क्लास 10 में प्री बोर्ड्स में इतना आया था, हाफ ईयरली में इतना आया था, तो इस बार बोर्ड्स में मुझे कितना मिल सकता है, कितना मार्क्स। सो हियर टेलिंग यू वंस अगेन दैट प्लीज डोंट वरी रिगार्डिंग योर बोर्ड मार्क्स। यहाँ पर तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि तुमने इस बार बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया है, तुम्हारा एक भी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुआ है, रादर सारे सब्जेक्ट्स का 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का बोर्ड्स कैंसिल हो गया, तुम्हें एक भी एग्जाम तुमने अभी तक नहीं दिया, राइट? तो तुम्हारा जो कि परसेंटेज है, तुम्हारा परसेंटेज किस तरह से मार्किंग स्कीम तुम्हें ऑलरेडी पता है, मार्किंग फॉर्मूला जिसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा। सो तुम्हें मार्किंग स्कीम ऑलरेडी पता है कि जो कि मार्किंग स्कीम है उसका आधा से ज़्यादा डेटा तुम्हारे स्कूल्स के पास है। सो तुम्हारे पास पूरा डेटा नहीं है, सो डेफिनेटली तुम वो फॉर्मूला यूज़ कर अपना मार्क्स नहीं निकाल सकते फॉर वन इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि उसका आधा से ज़्यादा डेटा तुम्हारे स्कूल्स के पास है, जैसे कि बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल, बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल के अंदर बहुत कुछ आता है, बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा चीज़ का डेटा तुम्हारा स्कूल ही कैलकुलेट कर सकता है, यू डोंट हैव ऑल दोज डेटा, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट वरी, इस बार तुमने बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया तो तुम्हारा जो भी मार्क्स आएगा इट विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड, दैट मीन्स तुम जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा ही आएगा, डोंट वरी। एंड इसके साथ साथ डोंट वरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या बोर्ड्स में कोई भी स्टूडेंट फेल हो सकता है इस बार, तो बहुत कम चांसेस है, देर इज़ वेरी लेस चांस कि कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट इस बार बोर्ड्स में फेल होगा, दिस इज़ द थिंग। एंड इसके साथ साथ नाउ अब हम रिजल्ट पे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं, तुम्हारा मेन क्वेश्चन ये है कि बोर्ड रिजल्ट्स कब आएगा, इतना डिले ऑलरेडी हो चुका है। तो देखो, फर्स्ट चीज़ है कि क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि ICSE एंड IAC स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स जो है एक साथ आएगा, राइट? सो इतना तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट्स क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, ICSE एंड IAC स्टूडेंट्स के लिए एक साथ आएगा, सो सेम डे आएगा। एंड तुम्हें पता है कि काउंसिल ने एक ऑफिशियल नोटिस जो कि लास्ट टाइम मार्किंग स्कीम के टाइम रिलीज किया था, उसमें भी लिखा हुआ था कि तुम्हारा क्लास 10 एंड क्लास 12 का बोर्ड रिजल्ट 31st of July तक, यानी कि उसके अंदर ही कभी भी आएगा। इसके साथ साथ अगर तुम ये बोलो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स क्या हो सकता है क्लास 10 एंड क्लास 12 का बोर्ड रिजल्ट्स के लिए, सो 20 to 25th of July तक तुम वेट कर सकते हो, 20 to 25th of July के अंदर ही ये जो तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट्स है वो पब्लिश होने का मैक्सिमम चांसेस है। टेलिंग यू वंस अगेन कि 20th of July, यानी कि 20 जुलाई से लेकर 25th of July तक के अंदर ही चांसेस है कि तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट्स। नाउ यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक डेट तुम्हें नहीं बता सकती, बिकॉज ये तो काउंसिल ही डिसाइड करेगा कि बोर्ड्स का रिजल्ट कब पब्लिश होगा ऑफिशियल साइट पे, लेकिन यहाँ पर तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 जुलाई से लेकर 25th of July तक के अंदर ही तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट्स पब्लिश होगा, दिस इज द एक्सपेक्टेड डेट। एंड इसके साथ साथ तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन अ वीक काउंसिल का कुछ ऑफिशियल नोटिस आएगा जिसमें कि वो लोग ये अनाउंस करेंगे कि स्पेसिफिकली किस डेट को बोर्ड रिजल्ट्स पब्लिश होगा, बिकॉज बोर्ड्स का रिजल्ट डायरेक्टली नहीं आएगा, अभी एक और नोटिस आएगा, सर्कुलर आएगा काउंसिल की तरफ से, CISCE की तरफ से, जहाँ पर कि ये मैंशन रहेगा कि किस दिन कितने बजे तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट आएगा। एनीवेज, तो एक्सपेक्टेड डेट इज 20 to 25th, इसके अंदर ही तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट आएगा, डोंट वरी, दिस टाइम यू विल गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। तुमने ऑलरेडी इतना दिन वेट कर लिया, अब तुम्हें थोड़ा दिन और वेट करना है। एंड यस, इसके साथ साथ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि तुम्हारा कितना परसेंटेज तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें मिल सकता है बोर्ड्स में, तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें इस बार बोर्ड रिजल्ट्स में कितना परसेंटेज मिल सकता है, चाहे तुम ICSE के स्टूडेंट हो या फिर IAC के स्टूडेंट हो। सो क्लास 10 एंड क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
मेरे को नीचे अपना प्रोबेबिलिटी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस। सो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर भी बना दिया है कि कैसे तुम बोर्ड रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। क्लास 12 स्टूडेंट्स को पता होगा बिकॉज तुमने क्लास 10 में भी चेक किया है, लेकिन क्लास 10 स्टूडेंट्स स्पेशली। सो मैं ट्राई करूंगी वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करना और कार्ड्स में भी प्रोवाइड करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर बोर्ड रिजल्ट्स। थैंक यू।